इमरान हाशमी किसिंग किंग की इमेज से निकलकर बन गए हैं डिशम किंग। ये तो आपको भी पता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड की जगह साउथ फिल्म इंडस्ट्री का डिसिप्लिन है इमरान हाशमी को ज्यादा पसंद। Yes, you heard it right. इमरान हाशमी ने ई टाइम्स के साथ एक्सक्लूसिवली बात करते हुए साउथ फिल्म इंडस्ट्री की जमकर तारीफ की है और ये भी बताया है कि बॉलीवुड की फिल्मों में कैसे रॉन्ग डिपार्टमेंट्स पर हो जाता है पैसा वेस्ट। वेल, इमरान ने अपने इस इंटरव्यू में क्या कुछ कहा है, चलिए आपको दिखाते हैं। इमरान हाशमी जल्द ही पवन कल्याण स्टारर ओजी से करने जा रहे हैं तेलुगु डेब्यू। इमरान फिल्म में नेगेटिव लीड में नजर आएंगे और जब ई टाइम्स ने उनसे साउथ की इस फिल्म पर बात की तो पहले तो इमरान ने ये भी क्लियर किया कि उन्होंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि वो साउथ की इंडस्ट्री के लिए काम करेंगे, वो भी एक विलन के रोल में। हालांकि इमरान हाशमी सलमान खान और कटरीना कैफ स्टारर टाइगर 3 में एंटागनिस्ट प्ले कर चुके हैं, पर ओजी पर बात करते हुए इमरान ने साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की जमकर तारीफ की और कहा, आई थिंक साउथ फिल्म मेकर्स आर वे मोर डिसिप्लिन्ड देन वी आर इन हिंदी सिनेमा। एवरी पेनी दैट दे स्पेंड ऑन देयर फिल्म्स शोज ऑन स्क्रीन। आई थिंक वी ऑफन स्पेंड मनी इन द रॉन्ग एरियाज इन हिंदी फिल्म्स and it does not eventually translate on screen. They have finesse in their films when it comes to VFX, the scale and choice of path-breaking stories. We have some ground to cover before we can match that and we have a lot to learn from the way they make films. इतना ही नहीं, इमरान हाशमी का कहना है कि साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री और फिल्म मेकर्स में कई ऐसी अच्छी बातें हैं जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को सीखनी चाहिए। साथ ही इमरान ने ये भी क्लियर किया कि उन्होंने साउथ की फिल्मों में काम करने के बारे में कभी नहीं सोचा था। इमरान ने कहा, I never imagined myself getting into the South film industry, but it was a fantastic script and a great character. Sujit is a great director and is making this film on an enormous canvas. ओजी में इमरान हाशमी के नेगेटिव रोल के साथ ऐसी भी खबरें हैं कि अदिवी शेष की अपकमिंग फिल्म G2 के लिए भी इमरान को कंसिडर किया जा रहा है। ये फिल्म 2018 के रिलीज गुड़ाचारी का सीक्वल है।